बंद कर रहा है बैट को पहले ही, सामने बैट पे लगने दे पहले बॉल। जाओ आगे, हिट मत करो, समझे, हिट मत करो, आगे खिलाओ, इससे रिश्ते ऐसे चलाओ इसको, इसको हिट कर देते पहले ही। ये तो हर चीज में ही है, आप पढ़ाई में ले लो, कोई से भी स्पोर्ट्स में ले लो, पब्लिक तो अब हर जगह मिलेगी, मगर आप तभी सक्सेस हो पाओगे जब कंपटीशन का दौर हो। उनकी सोच अलग है, मगर हम यहीं शुरू से, हमारा जन्म यूपी का ही है, तो हम, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने यूपी का ही नाम रोशन करूँ। सर अगर हर कोई यही सोचेगा सर, फिर तो कोई कर ही नहीं सकता ना सर, हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। फिर सर भी कहते हैं कि अपना वैस दो बस, बाकी छोड़ दो कि मतलब क्या होगा, कौन क्या कर रहा है, अपना वैस दो, आप एक दिन आप आराम से सक्सेस हो सकते हो अगर आप मेहनत करते रहोगे तो। ये भी देखने में सर, मैं तो सर बस यूपीसीए से ही खेलना चाहता हूँ सर, क्योंकि सर कहते हैं कि आप जहाँ के हो सर, आप उसी स्टेट से अगर मेहनत करो, चाहे कितना भी कंपटीशन हो सर, मेहनत करते रहोगे सर तो चांस जरूर मिलता है। देखिए मैंने पहले भी कहा है कि यूपी बहुत बड़ा है और यहाँ पर जितने खिलाड़ी खेल रहे हैं उनके लिए पर्याप्त हो ही नहीं सकता वो, क्योंकि 15 की टीम बननी है सिर्फ, इतने बच्चे खेल रहे हैं, तो अब उन्हें मजबूरन होकर, अभी इससे पहले तक तो उत्तराखंड के भी बच्चे भी इसमें शामिल थे, अभी इसी साल से उत्तराखंड की भी टीम बननी शुरू हुई है, तो उससे भी थोड़ा सा रिलीफ मिला है। लेकिन अब बच्चे, जब ज़्यादा बच्चे खेलते हैं तो अब उन्हें दूसरी जगह जाकर ट्राई करना पड़ता है, क्योंकि यूपी में इतने बच्चे नहीं खेल पाते हमारे, तो इसलिए एमपी से भी बच्चे खेल रहे हैं हमारे, राजस्थान से भी हैं, हरियाणा से भी हैं, बंगाल से भी हैं, सामी जैसे बंगाल से खेला, और भी बच्चे खेल रहे हैं, तो उनके साथ भी उन्हें मजबूरी है उनके साथ कि वो कहीं ना कहीं तो जाके अपना टाइम देंगे और परफॉर्म करेंगे तो वो खेलने को मिलता है। लेकिन जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि बच्चे जो यहाँ के, यहाँ से जिनको नहीं मौका मिल पा रहा है वो बाहर जा रहे हैं, और काफ़ी उसमें अच्छे बच्चे भी चले जाते हैं और जो बाहर से खेल के परफॉर्म कर रहे हैं, और अपने यूपी का जो नाम होना चाहिए वो दूसरे स्टेट का।